अब इसको नीचे वाले माउंट को चेक करते हैं भाई, क्या दिक्कत थी, क्यों भी निकला था उसमें से पेच स्क्रू टाइट करने के बाद भी। तो सुबह हमने इसको ऐसे में ले लिया मजे मजे में, हैं अभी ये वाला तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, ये वाला जो सेटअप है ये भी ओके ओके रिपोर्ट नहीं है, या तो इसमें एक एक्सटेंडर और लगे थोड़ा ऊपर का व्यू दिखा, क्योंकि अभी तो इसमें सीधे जो है स्पीडोमीटर का व्यू आ रहा है और तो कुछ समझ में आई नहीं रहा रोड पर कहाँ गाड़ी चल रही है, और ये तो है ही है माशाल्लाह। कहते हैं जो वो क्या बोलते हैं लोकल का जैसे बोलते हैं, चल जाए तो चांद तक ना चले तो कल तक, तो इसका तो मनमोहन जी वाला सीन हो गया। अभी वैसे चालू करके लेके तो आया हूँ इसको, काहे इतनी गाड़ी लगा रखी है भाई। ठीक है भाई ने ऑडियो तो परफेक्ट थी, जो हैंडल बार पर भी सेटअप है, लेकिन मज़ा तभी आएगा यार जब कैमरा लग जाएगा ना, फ़ोन में वो मज़े वाली बात नहीं रहती, पता नहीं क्यों। दो कैमरे का इसलिए सही रहता है सेटअप कि मेन टाइम पर अगर एक आपका वर्किंग ना करो कर चल रहा हो, सॉरी वैसे दोनों ही चेक करके निकलना चाहिए, पर क्या कर सकते, घर से तो चेक करके निकलते ही हैं, लेकिन नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, क्या हो। अभी कल की पूरी बकर हमारी बेकार चली गई, कल ना दिन में रिकॉर्ड हुआ ना शाम को रिकॉर्ड हुआ, आई डोंट नो। कभी कभी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना हम लोग मज़े मज़े में, तो हो सकता है मशीनों के भी कान होते हैं सुन लेते हैं, चलो भाऊ जी आज हमारी तारीफ करे हैं, आज हम कोई नहीं काम नहीं करे, आज हम छुट्टी पे हैं। कभी कभी इंसानों में भी होता है ना, जब भाऊ ज़्यादा तारीफ कर देता है बंदा फूल जाता है, कि आज मेरी तारीफ शाबाशी मिली है। शोले फिल्म में जैसे गब्बर बोलता है तालिया से कि तुमको क्या लगा बॉस शाबाशी देगा हैं, तो तालिया बोलता है कि बाबूजी हमने आपका नमक खाए हैं, तो क्या ससुर लो आप गोलियां भी खा लो। अब भाई तारीफ भी अगर किसी चीज़ की होती है तो बुराई भी होती है, तो वही इसका साथ है, हर कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, इतना दाम उतना काम।
मैंने भाई गोप्रो वाले भी रोते हुए देखे हैं, हैंग करा, रिकॉर्ड नहीं करा, ऑडियो नहीं आई, सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, और बहुत सारे मतलब टेक्निकल प्रोडक्ट तो भाई टेक्निकली होती है, क्या बोले। सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि गोप्रो की मतलब कहते हैं ना, जैसे एक टाइम में फोटोग्राफ लाइन के अंदर था, सोनी का कोई कैमरा खरीदता नहीं था, तो सोनी ने ऐसी धूम मचाई कि फूजी कैन सबकी मैंने बजा दी। अभी तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो टच में रहता ही हूँ हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि फोटोग्राफर लाइन की है, तो लोग कहते हैं जैसे सोनी का यूज़ कर लिया उसको और चीज़ समझ में नहीं आती है। बट वो कहते हैं ना, अभी हमारा सीन तो वो है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि तो लाइन वही है, बट हमारा उस लाइन से कनेक्टेड प्रोडक्ट है। हमारी लाइन के प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ भी पूछ लो हमसे, सालों को इंडिकेटर दे रहे हैं साइड का, तब भी घुसे ही जा रहे हैं। अभी देखते हैं दोनों कैमरे की अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि किसका व्यू अच्छा आता है, दोनों में से जो अच्छा आएगा दोनों को मिक्स करके डाल देंगे, अच्छा बुरा दोनों एंजॉय करो, फीडबैक दो, तारीफ भी करो, गाली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट में जो भी फीडबैक दोगे उस पर अमल करेंगे भाई। दीदी ने सुबह हमारे साथ पेट्रोल पंप पे खेला करते, सर आधा घंटा कर बेकार कर दिया उन्होंने, अन्य काम बाद में भी वही हुआ, बस वो है परेशान कर दिया, आधा पौना घंटा, आधा घंटा तो खाई था। हम कह रहा हूं कि पसीन चेक कर लो, वो पसीन चेक करके राजी नहीं है, और फिर हमारे यूपीआई वाले अपने भी उस टाइम पे कैसे ही गाड़ी चलाते हैं। जब सेटअप परफेक्ट सेट हो जाएंगे फिर एक से करेंगे हम फ्रंट व्यू, मतलब मेरा होता ना, और एक से रोड व्यू, फिर दोनों को मर्ज करके एक परफेक्ट व्यू बना के चला लेंगे आपको, या रैंडमली जैसे भी, उसमें भी क्या था ना, व्यू में भी थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए कुछ ना कुछ, खाली रोड को देख देख के तो आप बोर हो जाओगे, कभी कभी मेरा चेहरा भी दिख जाया करेगा आपको। अभी उस दिन मैं गाड़ी लेकर के आया था, उसका ब्लॉग में क्या हुआ, सुबह का ब्लॉग बना, शाम का बना नहीं, बट उसको भी डालूंगा अभी मैं, पहले आज वाला ये जो है इसको कंप्लीट करके ये डालते हैं, क्या कि ये आपको सुबह टाइमली मिल जाए, कल वाला होप सो आपको मिल गया होगा। आए हैं हॉर्न बजा रहे हो भाई, हमको लगा कि ससुर हमसे मिलना चाह रहे हैं, खाली रोड पे काहे बात है हॉर्न हॉकिंग है।
लेकिन इसके हॉर्न और मेरे हॉर्न में सेम सेम चीज़ है, मतलब मज़ा नहीं आता ना पीपी टाइप का। इससे बढ़िया तो स्कूटी के हॉर्न आते हैं। अब इसमें क्या है, जो इसका जो क्रूज वाला मॉडल आता था उसमें डुअल हॉर्न सिस्टम दे रखा है, कम से कम थोड़ा सा वो तो रेपुटेड है एज अ हाईवे के तौर पर। ये तो पता नहीं लस्सी लगता है। ये भाई सिटी की रानी, वरना इसका टशन का भी खत्म नहीं होता। एक टाइम पे जो जगह का भी होंडा सिटी की थी ना, वो जगह इसकी है भाई आज की डेट में। मतलब इसका पुराना वाला वेरिएंट है वो तो 1.6 रॉकेट। मैं तो ऑन कर चुका हूँ ना भाई होंडा सिटी, तो मुझे पता है। तो पुराने वाले मॉडल की तो बात ही ख़त्म कर दी। अब क्या होता है, कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है ना, और तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड थर्ड जनरेशन तो ठीक रहता है, उसके बाद ये सब लस्सी बनाना चालू कर देते हैं। मतलब नाम पुरानी नाम और कुछ भी लपेट दिया, जैसे अभी नया पता नहीं क्या बोले। अब नए वाले होंडा सिटी तो डब्बी टाइप की लगती है, पहले वाली तो लगती भी थी कितने लोग। खुल गई होगी क्या? ऐसा क्या, हम तो खुद मजे मजे में चला रहे थे, लोग चलाने नहीं देते थे। सीमेंट की करते जा रहे हैं भाई, करते हैं। बड़ी डाले वाली गाड़ी तो आई थी नो एंट्री में अलाउ हो अभी तो लोगों ने देखना चालू करा है। धीरे धीरे भाई फैमिली एड ऑन होगी, लोग देखेंगे समझ में आएंगे।
मैं डेली बोलता हूँ कल देख लेंगे भाई जल्दी से, कल देख लेंगे भाई जल्दी से, वही टाइम हो जाता है कल देख लेंगे। साइड में लगाए क्या, चेक करें क्या काहे प्रॉब्लम कर रहे थे। थोड़ा आगे आके लगा दो इसको, देखते हैं भाई तेरी क्या बीमारी है, हैं? टाइम तो पूरा है फिर भी लूज हो रहे हैं आई थिंक। चलो देखते हैं भाई, क्रिए प्रिय तो है नोए, अभी इसका भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब भाई हम सोच रहे हैं कि अगर आए हैं तो फिर रेगुलरली डालें ब्लॉग, सिग्नेचर से होते निकलते हैं। देखो एक चीज़ का प्लस और मैं तो पता नहीं कहाँ मगन हो गया, कुछ सोच रहा था मैं, मतलब मैंने और भी बाइकें देखी हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हल कहीं ना कहीं जो कैसे बोलूँ हाँ जो मतलब मैंने ये देखा है जैसे
इंडियन कंपनी है वो कहीं ना कहीं अपने एग्जॉस्ट नॉट के ऊपर बहुत ध्यान देती है। फिर टी वी एस की मेरे पास वो थी, अपाचे थी वो, ये और नए वाली अपाची जो है जिसमें टू बैरल वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है 4V वो, और अभी नई वाली डोमिनार, तब वो ये चीज़ अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी बाइक के हिसाब से उसकी जो कहते हैं ना एग्जॉस्ट का भी प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए ताकि वो इरिटेटिंग ना लगे सामने वाले को। एक कहते हैं ना उसका भी एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, मतलब सुपर बाइक में लोग एग्जॉस्ट के लिए ही लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो आप जैसे KTM हो गया है बजाज के अंदर में, लेकिन है तो वो फॉरेन ब्रांड ही, उनके आप तुम कोई सी बाइक ले लो। अब वो सबका अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि किसको कैसे वाली पसंद है, बट अपने को तो बेसी जो होता है ना एग्जॉस्ट वैसा पसंद है। अब इसका क्या है कि जो इंजन साउंड है वो तो ट्रेडिशनल वही 220 का जो सिग्नेचर स्टाइल है पल्सर रेंज का वही, क्योंकि इंजन सेम है, बट इसका एग्जॉस्ट छोटा है, स्टबी टाइप का जैसे कहते हैं ना ग्रंट होता है उसके हल्का सा वैसा, मतलब शाम अगर आप पूरे दिन में बाइक चला रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इरिटेटिंग की बुलेट वालों के लिए जैसे फेमस होता है ना। अगर अब भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी तो माथा खराब हो जाएगा लिटरली। याला ब्लॉग देखते हैं, शेड्यूल करते हैं आपके लिए, अगर सुबह 11 बजे के लिए शेड्यूल हो जाए तो, मतलब हम ऑफिस में दूसरे ब्लॉग की तैयारी कर रहे होंगे तो तब आपके पास ये होगा। पहले कोशिश तो मैं ये कर रहा था कि अभी शाम में 9 बजे का, बट फिर क्या है कि क्या ऑफिस थोड़ा सा लेट हो गए, लेट भी गया तो कोई बात नहीं, तो काम का पार्ट है, आगे पीछे हमारा प्रोफाइल ही ऐसा है भाई। सीधे जाऊंगा रास्ता तो वो भी सीधा है, बस ये है कि आगे जाके साला जाम लगाए रहते हैं ऑटो वाले। आज तक तो जाम होगा नहीं, लेकिन इतनी जनता तो यहाँ भजनपुरे में आप कभी भी खड़ी करें तो आज है नहीं जाम, बाकी आगे तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो अपना ट्रेडिशनल रास्ता है भाई।
अब इस रोड के ऊपर ट्रैफिक लोड होता रहता है, इतना ज़्यादा है, और सड़क पर टूटेंगी ही टूटेंगी। एक्चुअल ट्रैफिक तो यहाँ चलता है 10-11 बजे के बाद, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेमो तब चलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ रोड, डाले वाले ट्रक। एक्चुअली डैमेज तो वो होता है उससे, क्योंकि टर्नों के हिसाब से गाड़ी होती है। वो भी दिखाएंगे कभी ऑफिस से अगर लेट निकले। तो डेयरिंग ही है, उल्टी दिशा में आओ पूरी 30-40 की स्पीड से है। बकर करते करते पता है, अभी एक ऐसा कैमरा लेंगे जिसमें केबल या माइक लगाने का ऑप्शन हो, एडिशनल एक्सटर्नल माइक लगाने का। क्योंकि देखो हर माइक की ना अपनी एक वो होती है, लिमिट होती है। इनबिल्ट जो माइक होते हैं नो डाउट थोड़े ठीक ठाक होते हैं, बट वो ठीक ठाक ही होते हैं, आपको उससे बढ़िया क्लैरिटी की, क्योंकि विंड नॉइज़ भी होता है बाइक के ऊपर होते हो, कार में तो फिर भी आप सराउंडेड होते हो सब चीज़ों से। चलो चलो चलो, इस समय तो ये भी एक ट्रैफिक का पॉइंट है ना भाई, शादियों के टाइम चल रहा है, तो प्राइवेट बसेज वाले भी होते ही हैं, आप किसको भाई, रोड तो सबकी है ही है। हम रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो कौन चलेगा भाई। जी भाई बात करते करते अपन आ गए अपने घर के पास में, ये हो गया जी गूगल फ्री वाला फ्लाईओवर। अभी 2-3 दिन से तो हम आपको नीचे से ही घुमा रहे हैं ना, और कल भी मैं नीचे से ही गया था, पर कल का तो कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, हमारी सारी रिकॉर्डिंग बेकार गई, एज आई टोल्ड यू। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना भाई, ऊपर से
चलते हैं। आज है बुधवार, सॉरी वेडनेसडे। ऐसे दिन, हफ्ते, साल गुजरते, महीने चले आते हैं, लाइफ का यही सर्कल है। यहाँ पे अपनी मीत नगर की साइड भाई अपन है मनमोजी टाइप की, कहीं से भी निकाल लो गाड़ी। ये देखो, ये है शादियों की माल ढुलाई। अच्छा ऐसा है क्या, देखेंगे भाई किसने तेरा मेन्यू भी। बात से दाम लगा रखा भाई, पहले मैं हैं जी। अच्छा बस खड़ी है क्या, अंदर से ले लेंगे, कोई बात नहीं। बस की वजह से जाम लग रहा है भाई। कोई नहीं, हमारा क्या, हम तो लोकल हैं, हम तो अंदर घुस जाएंगे। हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट। उधर से निकाल लो भैया, उधर से है नहीं, उससे मैं कहा ऊपर से निकाल लो, ऊपर से।
क्या करूं अब वहां से तो एक को रास्ता बताओ, चार बंदे निकलने के तैयार हो जाते हैं। ये है कौन की ठेली भाई, इसे ही हटा ले। ले लो भैया गली से, ले लो गली से। चल मेरे भाई चल। आज शायद लास्ट साया मेरे हिसाब से शादी का, इसलिए मारा मारी है। बाहर को क्यों फंसेंगे, जाम में हम तो अंदर से जाएंगे आराम से। जे फायदा होता है बाइक को है भाई, अंदर से लो कहीं से भी लो, जाओ बस पहुंचो घर। इतने लिए खाना वाना तैयार करते हैं, हम करते हैं अपना डाटा ट्रांसफ़र आज शाम वाला। ये रे ये काम कर रहे हैं अपना मजदूर है, मजदूर नहीं है मजबूर। अभी पूजा वूजा तो हो गई थी भाई उस दिन, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ना ये अभी हम पॉलीथिन उतारेंगे नहीं पप्पा जी के पास से, कुछ दिन तो नए वाली फिलिंग ले रहे थे। यार मेरे पीछे पीछे आए, थोड़ा फ्रेश हुए अभी खाने, तो अभी हम इसी रूम में खा रहे हैं अभी फिलहाल, कभी अंदर कभी बाहर, तो कभी यहाँ सोफा सेट डाला नहीं है तो खा लिए, जब तक नहीं है तब तक हम खाएंगे देसी स्टाइल में। ये भाई कर रहे हैं अभी अपना, पहले इनको परोसा जाता ना क्योंकि इनको खाने में और टीवी देख देख के खाते हैं, तो इनको लगता है एक साल इनके लिए हम टीवी पे कुछ लगा देंगे कि मनोरंजन का सामान। ये तो कोनो बात नहीं, अब इसका डाटा भी ट्रांसफर करते हैं। ये कहाँ गया भाई, अभी मैं पीछे यही सीन रिकॉर्ड कर रहा था बट रिकॉर्डिंग में आया नहीं, तो मैंने अभी यहाँ से थोड़ा सा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें दोनों डिवाइस का चार्ज करते हैं, ट्रांसफ़र करके रख देंगे, एडिट करके रख देंगे सुबह, तभी आपको टाइम से मिल पाएगा। टिल देन हम अभी जब तक डाटा ट्रांसफ़र होगा तब तक हम अपना भोजन कर देंगे।
और फिर अपना बाकी का सामान भी खोजते हैं भाई, भी पड़े हैं, ट्राईपॉड है, सॉरी ट्राईपॉड है, एक स्टैंड लेके आना है बलिया वाला, फिर इसको यहीं कहीं आजू बाजू में कहीं कोने पर टिकाएंगे, फिर हम ऐसे हाथ में लेके कम घूमेंगे। लो देखो इनके हाथ में भी आ गया इनका, इसके बिना तो उनका खाना ही नहीं पचेगा। बाबू इसको रख दे, तेरे टीवी पे चलाते हैं कुछ ना कुछ। चलो करूँ स्टार्ट डाटा ट्रांसफर, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। कहाँ तक पहुँची हमारी गाड़ी, कैसे रहा दिखाएंगे आपको, कितना रिकॉर्ड हुआ अभी मुझे खुद नहीं पता कैसा रिकॉर्ड हुआ है। सुबह वाला तो ठीक ठाक सा था, बट एंगल थोड़ा सा अभी जजमेंट करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि एक्शन कैम से तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, जो मैंने हैंडल पे लगाया था सेटअप उसी से रिकॉर्ड हुआ। अभी वो व्यू भी देखना, अभी आते टाइम में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है वो भी देखते हैं कैसे रिकॉर्ड हुआ है, फिर कल थोड़ा सा और आरएनडी करते हैं, क्योंकि जब तक पूरा परफेक्ट एक बार सेटअप तैयार हो जाएगा फिर तो आइडिया लग जाएगा कैसा आया है कैसे नहीं आया। हाँ 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 जी, ये वाली आदत छोड़नी पड़ेगी, ऐसे देखो फिर ऐसे देखो, हम ऐसे देखा करेंगे, देखा ये होता है, मैं ऐसे देख रहा हूँ आपको लगेगा पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ अब मुझे ये नहीं, इसमें देख करके ये नहीं पता चलेगा कि मैं मेरा व्यू कैसा आ रहा है, बट कोई बात नहीं आदत पड़ जाएगी। चलो करते हैं एडिट, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, हो चुका, खाना खा लिए, मम्मी बेटा अंदर बैठे हैं जी, डाटा ट्रांसफर करके अभी चेक कर रहे हैं जी। चलो अभी यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड, सुबह मिलते हैं आपसे, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, क्या बोलते हैं, स्टे हेल्दी, Keep motivate me. एक ही रहा, दो दो कैसा है बता देना, तुम एडिट करो। हम सोने जा रहे हैं।